तो आज की वीडियो में हम करने वाले कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग जो बहुत ही सिंपल होने वाली है और आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिक्सार टैब में आपको इस बैकग्राउंड को कर लेना है ओपन, जिसके लिंक साथ ही वीडियो में जो भी PNG यूज हुए हैं उनकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां पर आपको ऐड फोटो पर कर देना है क्लिक। अब यहां से आपको हैंड का जो PNG है उसे यहां पर आपको कर लेना है ऐड। अब इसका जो साइज है आपको यहां पर फुल कर देना है और यहां पर इसको सबसे ऊपर ले जाना है। अब यहां से आपको इरेज के टूल पर चले जाना है, इरेज के ऑप्शन पर यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको जो हार्डनेस है उसको बिल्कुल माइनस कर देना है। अब इस PNG की जो लाइंस हैं उन्हें यहाँ पर आपको थोड़ा सा इरेज कर देना है, जिससे आपका जो PNG वो बैकग्राउंड में मिक्स हो जाए। अब यहाँ से आपको इसको कर देना है डन। अब इसकी जो ओपेसिटी आपको थोड़ा माइनस पर ले जाना है, कम से कम आपको यहाँ पर 50 के समथिंग इसको कर देना है एंड देन आपको कर देना है डन। अब दोबारा से यहाँ पर आपको जाना है ऐड फोटो पर। अब यहाँ पर आपको एक राखी की PNG मिलेगी, वो भी यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको इसका जो साइज है वो थोड़ा बढ़ा देना है एंड देन इसको आपको लेफ्ट कॉर्नर पर बिल्कुल ऊपर यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब दोबारा से आना है यहाँ पर आपको ऐड पर। अब यहाँ से आपको जो फोटो है वो यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इसका भी थोड़ा साइज बढ़ाना है और यहाँ पर इसको आपको थोड़ा नीचे ला के यहाँ पर छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको कर देना है दोबारा से डन और जाना है दोबारा से ऐड फोटो पर। अब यहाँ पर आपको एक PNG मिलेगी रेड कलर की, उसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर रहा हूँ उस तरीके से यहाँ पर आपको इसे एडजस्ट कर लेना है और दोबारा से यहाँ पर आपको ऐड पर जाना है और इसी PNG को दोबारा से यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप रोटेट, इस पर आपको क्लिक करना है और इस PNG का जो आपको मिरर है वो यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है एंड देन आपको दोबारा से इसका साइज बढ़ाना है और इसे राइट कॉर्नर पर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब जाना है यहाँ पर आपको ऐड पर और रक्षाबंधन का टेस्ट PNG यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। आपको इसका यहाँ पर थोड़ा साइज माइनस करना है और इसे फोटो को बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब आपको दोबारा से यहाँ पर ऐड पर जाना है और एक तिलक का PNG भी आपको मिल जाएगा, वो भी यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। अब सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है डन। अब यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ से आपको इफेक्ट के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ से आपको थोड़ा राइट साइड की तरफ जाना है और यहाँ से आपको एक ड्रामा के बगल में एक फिल्टर मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कर देना है डन। अब आपकी फोटो यहाँ पर पूरी तरीके से एडिट हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।